हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज भी मेरे पास बहुत सारी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी एंड यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार। वीडियो को अंत तक देखते रहना एंड ऑल्सो अगर तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही आप लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाते रहता हूँ। नाउ बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो आप लोग को ऑलरेडी यार पता होगा टेक्नो गेमर्स का एक अनदर चैनल भी है जिसका नाम है उज्जवल शॉर्ट्स। तो अभी यार उस चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर एंड इसी के ऊपर वो रिएक्ट करते हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे ये एक स्टोरी डाली एंड वो कहते हैं 1 more 5 million, थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बॉम्ब रेडी है, बस आग लगानी बाकी है। तो यार बाकी मेरी भी साइड से टेक्नो गेमर्स को इस चीज के लिए काफी बड़ा वाला कांग्रेचुलेशंस। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात लेते हैं रचित्रो के बारे में। तो आप लोगों को ऑलरेडी यार याद होगा मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियोस में बताई रखा है कि रचित्रो ने यार सारे यूट्यूबर्स को चैलेंज किया था बॉक्सिंग मैच करने के लिए। एंड उस टाइम पे यार वो जो है वो बॉक्सिंग मैच वाले टॉपिक को थोड़ा सा भूल भी गए थे एंड वो बात भी नहीं कर रहे थे उसके रिलेटेड कि उनकी बॉक्सिंग मैच कब होने वाली है, किसके साथ होने वाली है। तो अभी यार रचित्रो कल जब अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वो इसी टॉपिक के रिलेटेड बात करते हैं कि उनका बॉक्सिंग मैच हमें कब तक देखने को मिल सकता है। बाकी वो क्या कुछ कहते हैं देखिए आप लोग। ब्रो बॉक्सिंग मैच का क्या सीन है, आफ्टर आई बीट बीबीएस लाइक ओनली अप में तब मैं अनाउंस करूंगा, लाइक देयर इज अनाउंसमेंट अबाउट तो बेसिकली यार रचित्रो यही कहना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल मतलब कि 9 जुलाई को बीच बॉचो वर्सेस रचित्रो का यार ओनली अब गेम में चैलेंज है। तो ये जब कल चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा उसके थोड़े दिन बाद में वो अनाउंसमेंट करेंगे अपने बॉक्सिंग मैच के रिलेटेड कि किसके साथ हो सकता है, कहां पे हो सकता है वगैरह वगैरह। तो उसके रिलेटेड यार मेरे को और भी कुछ अपडेट्स वगैरह मिलेगी तो मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। एंड नेक्स्ट न्यूज यार रचित्रो से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रचित्रो अपने चैनल के ऊपर में काफी एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ यार वीडियोस को अपलोड करते हैं, जिस वीडियोस पर उनके व्यूज नहीं आते फिर भी उन वीडियोस को वो अपलोड करते हैं, जो उन्हें पसंद है बेसिकली वो उन्हें अपलोड करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब इसी के रिलेटेड बात करते हैं, इसी रीजन के रिलेटेड बात करते हुए रचित्रो ने कल एक ट्वीट किया एंड वो कहते हैं एट दिस पॉइंट आई एम स्पेंडिंग ऑल ऑफ माय मनी बैक इनटू माय कंटेंट, आल्सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग कंटेंट फॉर व्यूज आई एम डूइंग व्हाट आई ट्रूली एंजॉय। There is a decline in views, but a lot of appreciations from you all and from my family and friends. I will continue making and what I truly love. तो basically यार रचित्रो यही कहना चाहते हैं कि मैं वैसे content की तरफ नहीं भागता जिसपे बहुत ज्यादा views आते हैं, जो मुझे पसंद है, जो मुझे बनाना अच्छा लगता है, जो बनाने में मुझे मजा आता है वही मुझे बनाना एंड अपलोड करना पसंद है। एंड ये चीज आप लोग को, मेरे फैमिलीज को एंड मेरे दोस्तों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अब बाकी आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस चीज पे मेरे को यार कॉमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो कल यार बिग बॉस में फुकरा इंसान का पैर ऑलमोस्ट टूटने वाला था। यस, अब लाइक हुआ क्या, ये चीज स्टार्ट कहां से हुई मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मनीषा रानी एंड फुकरा इंसान दोनों यार बेड पे लेटे रहते हैं, दोनों यार बातें वगैरह कर रहे होते हैं, तुम्हें पता ही होगा कि दोनों ही अच्छे खासे दोस्त हैं। तो जब यार मनीषा रानी एंड फुकरा इंसान दोनों बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो बेबिका है वो किचन में खाना वगैरह बना रही होती है। तो उसी टाइम पे यार फुकरा इंसान एंड बेबिका के बीच में थोड़ी सी पोकिंग वाली गेम स्टार्ट हो गई। लाइक फुकरा इंसान इधर से उसको पोक कर रहे थे एंड बेबिका उधर से फुकरा इंसान को पोक कर रही थी एंड ये सारी चीजें यार फनी वे में चल रही थी, मैं आप लोग को बता दूं। बट इसके बाद यार होता क्या है कि फुकरा इंसान ने शायद से बेबिका कुछ कह दिया होगा एंड बेबिका की भाई गंदे लेवल पे जल गई। तो वो पिलो उठा के आती है फुकरा इंसान को मारने के लिए एंड यहां तक भी भाई सारी चीजें जो है वो फनी वे में ही चल रहा था। लाइक बेबिका जो मारने के लिए आई थी फुकरा इंसान को वो भी सिर्फ एक फनी वे में ही आई थी, लेकिन जब यार वो मार रही होती है फुकरा इंसान को पिलो से उस टाइम पे भाई वो चढ़ जाती है फुकरा इंसान के पैर पे। एंड आप लोग को पता होगा भाई अगर ट्रक किसी के ऊपर चढ़ जाए तो क्या कुछ हो सकता है। एंड लिटरली यार आप लोग को पता ही होगा कि वो कितनी ज्यादा भारी है एंड वो फुकरा इंसान के पैर पे चढ़ गई। एंड लिटरली उस टाइम पे फुकरा इंसान ने सारे ही लोगों को ये बोला कि आज मेरा पैर भाई टूटते टूटते बच गया, लाइक मौत को छू के भाई टक से वापस आ गए वो, ऐसी वाली सीन हो गई थी। एंड इस चीज पे काफी सारे लोग यार फुकरा इंसान एंड बेबिका दोनों ही लोगों को समझा रहे थे कि ये चीज बहुत ही ज्यादा सीरियस है, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। स्पेशली सारे लोग बेबिका को कह रहे थे कि किसी के पैर वगैरह पे मत चढ़ो वरना काफी सीरियस इंजरी हो सकती है। अब इसमें यार सबसे ज्यादा बेशर्मी वाली बात यह है कि बेबिका से जब लोगों ने यह पूछा कि तुम उसके पैर पे चढ़ी क्यों, तो वो ये बोलती है कि मैं गलती से चढ़ गई एंड दूसरी बार जब मुझे ये पता चला कि मैं उसके पैर पे चढ़ गई हूं तो उसके बाद मैं एक बार और चढ़ गई, मुझे मजा आ रहा था। एंड आप लोग यार ये वाले टॉक से समझ ही पा रहे होंगे कितनी ज्यादा बेशर्म वाली चीज है ये। एंड ये चीज को देखने के बाद में यार जितने भी फुकरा इंसान के फैंस हैं उन सारे लोगों का यही कहना है कि आज के वीकेंड के वार में
सलमान खान को इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, बिकॉज ये रूल ब्रेकिंग वाली चीज है। किसी के ऊपर चढ़ना, किसी को मारना, किसी के ऊपर लिटरली यार अटैक करना, ये बिग बॉस के रूल्स के खिलाफ है। इससे किसी को सीरियस इंजरी हो सकती है। एंड लोगों का यही कहना है कि सलमान खान को बात करना चाहिए एंड बेबिका को भाई डांट लगानी चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कुछ ओपिनियंस है इस चीज पे भाई मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर फुकरा इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं यार अविनाश के बारे में। तो अपने अविनाश भाई का भाई काफी गंदे लेवल पे कट चुका है। तो लाइक होता क्या है कि कल अविनाश एंड फलकनाश दोनों यार बिग बॉस में ऐसे ही बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम पर अविनाश ने अपने सारी फीलिंग्स बता दी फलकनाश को कि वो उन्हें काफी ज्यादा अच्छी लगती है। बट यार सैडली यहां पर होता क्या है कि फलकनाश ने यार अविनाश को फ्रेंड जोन कर दिया एंड हमारे भाई अविनाश का काफी गंदे लेवल पे कट चुका है। बाकी यार जस्टिस तो होनी चाहिए अविनाश के साथ में। एंड आप लोग का क्या कुछ कहना है इस चीज पे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ऑल्सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 7 लोग नॉमिनेटेड भी हैं इस वीक के लिए, तो अभी यार नॉमिनेशन लिस्ट जो है उसकी वोटिंग काउंट लेटेस्ट वाली वो भी यार आ चुकी है, जिसमें आप लोग देख पा रहोगे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है। मनीषा रानी टॉप पे है एंड अविनाश जो है वो सबसे ज्यादा नीचे है। एंड पर्सनली यार मेरे को खुद भी ऐसा ही लगता है कि अविनाश ही एविक्ट होने वाला है इस वीक बिग बॉस के घर से। बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगता है मेरे को अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बात लेते हैं चपाती केमर के बारे में। तो चपाती केमर ने एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी सा चैलेंज ले लिया है। अब इसी के रिलेटेड बात करते हुए कल उन्होंने ये वाला ट्वीट किया और वो कहते हैं 24 आवर लाइव स्ट्रीम ऑन 2 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन अवर मौसमी चैनल। तो बेसिकली यार चपाती केमर यही कहना चाहते हैं कि उनका जो मौसमी वाला चैनल है उस पे जब 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो वो अपने चैनल पे यार करने वाले हैं 24 घंटे की लाइव स्ट्रीम, जिसपे वो सब कुछ करने वाले हैं। वही वो नहाएंगे भी, वही वो बाथरूम भी जाएंगे, वही वो सोएंगे भी, खाएंगे भी एंड बातें भी करेंगे, सब कुछ 24 आवर वाली लाइव स्ट्रीम में ही करने वाले हैं। बाकी आप लोग इस चीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट न्यूज भी यार चपाती गेमर के रिलेटेड है। तो कल ही चपाती गेमर अपने मौसमी वाले चैनल के ऊपर में यार लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड आज वो लाइव स्ट्रीम आपको नहीं दिखेगी बिकॉज उन्होंने डिलीट कर दिया। तो उसी लाइव स्ट्रीम में यार वो बात करते हैं लॉगी गेमर के रिलेटेड। अब जैसा कि आप लोगों को पता है भाई कि लॉगी गेमर कंप्लीटली यूट्यूब से जो गायब हो गए हैं, लाइक उन्होंने 8-9 महीने से यार कोई भी वीडियोस ही अपलोड नहीं करी। तो इसी के रिलेटेड यार वो बात करते हुए अपने लाइव स्ट्रीम में कुछ बात करते हैं कि क्यों लॉगी गेमर वापस नहीं आ रहे एंड वो कब तक वापस आ सकते हैं। बाकी वो क्या कुछ कहते हैं देखिए आप लोग। और बहुत सारे बंदे ऑब्वियसली बोल रहे हैं कि लॉगी सर जी कहाँ पर है। देखो ब्रो थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, थोड़ी बहुत टेंशन है फैमिली के अंदर, तो तभी वी आर इन द न्यू स्टूडियो, तो या थोड़ी बहुत टेंशन है, बट हॉली हॉली थिंग्स आर गोइंग बैक टू नॉर्मल। ठीक है, हॉली हॉली ऐसी चीज़ों में जो है बहुत नाजुक चीज़ें होती हैं तो कोई पुश नहीं कर सकता इन चीज़ों को, तो थोड़ा बहुत बात को समझिए। सून देखो अपनी पूरी कोशिश है कि वी शुड गो बैक टू नॉर्मल, यू नो लाइक अपनी पूरी कोशिश है कि सारे लाइक मिलके वीडियो बनाए और मिलके वीडियो बनाने में ही मज़ा है, मिलके वीडियो बनाने में ही फन है और वो मेरे को भी अच्छा लगता है एंड एट द सेम टाइम आप लोग भी जो है पसंद करते हो वो चीज़ें। तो मैं मेरी यही कोशिश है कि मिलके वीडियो बनाए, बट ये यू नो ऐसी फैमिली टेंशन जो है थोड़ा बहुत टाइम होने में सेट होने में टाइम लगता है, बट इट्स ओके, प्रॉमिस लॉगी वापस आ जाएगा। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात करते हैं ड्रीम बॉय के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को यार पता ही है कि ड्रीम बॉय हिमलैंड्स की वीडियो अपने चैनल पे भाई बहुत कम अपलोड करते हैं, लाइक लिटरली उनकी वीडियो भाई महीने डेढ़ महीने में आती है। तो इसके रिलेटेड यार बहुत सारे लोग उनको कॉमेंट्स वगैरह भी करते हैं कि क्या आपने हिमलैंड्स को लीव कर दिया, क्या आपने हिमलैंड छोड़ दिया, क्या आप अब हिमलैंड्स की वीडियोज नहीं बनाएंगे। तो फाइनली यार अभी ड्रीम बॉय ने कल ही रात में लाइक लिटरली भाई 11-12 बजे रात में उन्होंने अपनी हिमलैंड्स की न्यू वीडियो अपलोड करी है एंड उसी में वो इसी चीज के रिलेटेड बात करते हैं। बाकी वो क्या कुछ कहते हैं देखिए आप लोग। और भाई तुम लोगों ने तो भाई मतलब कर दिया, पार कर दिया सिस्टम, भाई तुम लोगों ने सच में सिस्टम पार दिया। इतने सारे कमेंट्स, हिमलैंड्स की वीडियो ला, तू हिमलैंड्स को भूल गया, हिमलैंड छोड़ दिया, मर गया है क्या भाई, यहाँ आग किसने लगा रखी इतनी ज्यादा भाई। सो गाइस हिमलैंड्स की वीडियो आ चुकी है, तुम लोग इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं टाइमलाइन को फिक्स करने के बाद बहुत टाइम बाद अपने सारे दोस्तों से मिलने। ओके सो बढ़ते हैं अपनी लास्ट न्यूज सेगमेंट की तरफ जो कि है यूट्यूबर्स की नई वीडियो अपलोड्स के बारे में। तो लाइक यार सबसे पहले एमसी फ्लेम की नई वीडियो आ चुकी है, एंड्रियो बी की नई वीडियो आ चुकी है, एकुकी गॉड की नई वीडियो आ चुकी है, लाइव इंसान की माइनक्राफ्ट की नई वीडियो आ चुकी है, खतरनाक किसान की नई वीडियो आ चुकी है, कैश की नई वीडियो आ चुकी है, मिथ पैट की नई वीडियो आ चुकी है, अंशु बिस्ट की नई वीडियो आ चुकी है, मिस्टर बिस्ट गेमिंग की नई वीडियो आ चुकी है। तो सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो यार बस अभी के लिए इतनी न्यूज थी, कि जो भी न्यूज मिलेगी यार मैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। न्यूज सबमिशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके न्यूज सबमिट करना एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।